हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एंड एच अकेडमी सो चैप्टर नंबर वन की लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज़ वन पॉइंट सिक्स को करने से पहले हमें कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझने होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ है ए रेस टू पार एम प्लस ए रेस टू पार एन इज़ इक्वल टू ए रेस टू पार एम प्लस एन अगर हमारा बेस सेम हो इस केस में बेस हमारा है ए तो अगर बेस सेम हो और हमारा प्लस हो रहा हो एडिशन में हो तो हमारे जो पार्ज होती हैं वो प्लस हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें गिवन है फाइव रेज टू पार टू प्लस फाइव रेज टू पार वन तो वो क्या हो जाएगा फाइव रेज टू पार टू प्लस वन इज इक्वल टू फाइव रेज टू पार थ्री सेकेंड जो हमारा एक्सपोनेंट का लॉ है वो है डिवीजन का अगर हमारा बेस सेम और बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो क्या करेंगे बेस लिख कर जो हमारी पार्ज है वो माइनस हो जाएंगी जैसे प्लस के केस में हमारी पार्स इकट्ठी हो रही थी प्लस हो रही थी तो डिवीजन के केस में वो माइनस हो जाती हैं जो हमारा थर्ड लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी नंबर की पार ज़ीरो हो तो उसका आंसर हमेशा वन होता है नेक्स्ट फोर्थ है ए रेस टू पार एम ब्रैकेट एन तो इसका मतलब अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एम और एन हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे नेक्स्ट है ए बी रेस टू दार एन अब जो एन पार है वो होल पे है ए पर भी है और बी पर भी है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ए रेस टू पार एन एंड बी रेस टू पार एन नेक्स्ट लॉ है नेगेटिव पार का तो ए डिवाइड बाय बी और होल के पार है माइनस एम तो जो पार है वो कभी भी हम नेगेटिव नहीं रखते उसको पॉजिटिव करना होता है और फ्रैक्शन में हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन को रिवर्स कर कर अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी फ्रैक्शन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी लास्ट वन ए रेस टू पार माइनस एम डिवाइड बाय बी रेस टू पार माइनस एन अब अगर हमने पार्ज पॉजिटिव करनी है तो एक और रूल है कि हम उसी उस पूरे जैसे न्यूमिनेटर है उसको पूरे को नीचे ले आएंगे अब ए के ऊपर माइनस एम है तो अगर हम ए को नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ए टू पर पॉजिटिव एम हो जाएगा और बी नीचे माइनस में तो ऊपर जाकर बी भी पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो बेसिक पार्ट है वो कवर हो गया है अब आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो ये खुद ही याद हो जाएंगे ओके सो थैंक यू बाय बाय